फ्रेंड्स, आप सभी मित्रों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डीके सैनी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों टाइटल से आपको समझ में आ गया होगा, जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीएड वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो दोस्तों बीएड कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं उनको प्रमोट करने पर जो असमंजस है वो अभी बरकरार है। अभी भी बीएड के जो छात्र हैं उनके मन में ये है कि हमें प्रमोट किया है या नहीं किया है, तो उनके बीच फिर से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले हमने एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर हमने बताया था कि बीएड फर्स्ट ईयर के जो छात्र हैं उनको प्रमोट कर दिया गया है प्रोविजनली रूप से। इसी तरीके से बीएससी बीएड बीए बीएड के छात्रों को भी प्रमोट कर दिया था, लेकिन दोस्तों फिर भी असमंजस बरकरार है। जो आज के न्यूज़पेपर की जो कटिंग है वो हमारे सामने है, मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों उससे पहले जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल या वीडियो पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो दोस्तों बीएड कॉलेज के विद्यार्थियों को प्रमोट करने पर असमंजस अभी भी बरकरार है। अब एनसीटीई की गाइडलाइन का इंतजार है, उच्च शिक्षा मंत्री सिंह भाटी ने भी कहा है। आप देखिए जो न्यूज़ आई है मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं हमारी वीडियो के माध्यम से यहाँ पर लिखा हुआ है, बीएड कॉलेज के विद्यार्थियों को प्रमोट करने पर असमंजस बरकरार। एनसीटीई की गाइडलाइन आने के बाद होगा फैसला। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी राजकीय कॉलेजों, यूनिवर्सिटी और तकनीकी शिक्षा संस्थानों के विद्यार्थियों की परीक्षा रद्द करके विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट करने का आदेश दे दिया है, लेकिन फिलहाल इसके अमल पर असमंजस है। दरअसल प्रदेश के दो उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान ऐसे भी हैं जो उच्च शिक्षा आयुक्तालय के अधीन ही नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 जुलाई को मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में प्रदेश के सभी कॉलेजों, यूनिवर्सिटी और तकनीकी शिक्षा संस्थानों की सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को भी प्रमोट करने का निर्णय लिया गया, लेकिन इसमें बीएड एमएड का नाम नहीं लिया गया। ऐसे में बीएड एमएड के विद्यार्थियों का प्रमोशन होगा या नहीं इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। एनसीटीई के बगैर नहीं हो सकते हैं। प्रज्ञों का कहना है कि जिस तरह लॉ कॉलेज के विद्यार्थी प्रमोट करने के लिए बीसीआई की गाइडलाइन की अनुशंसा मिली थी, बीएड और एमएड कॉलेजों में सारे मापदंड एनसीटीई के चलते हैं। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने भी एक न्यूज चैनल पर एनसीटीई की गाइडलाइन पर ही इन्हें प्रमोट करने की बात कही है। यह गाइडलाइन कब आएगी यह तय नहीं है। बीएड एमएड के एग्जाम कब है यह दिखाया जा रहा है। फिलहाल जिसके एग्जाम थे उन्हें रद्द करके विद्यार्थियों को प्रमोट किया है, हम बीएड एमएड की स्थिति दिखवा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीएड कॉलेजों के विद्यार्थियों को प्रमोट करने पर जो असमंजस है वो बरकरार है। जो भी न्यूज़ आएगी हम आगे आपको बता देंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।